दोस्तों, आज हमारी जो मेड इन इंडिया ओसी मशीन है, इसके लिए एक हमारे कस्टमर आए हैं बहुत दूर से हमारे पास इस मशीन को लेने के लिए, और ये चाहते थे कि मैं आकर के लाइव इस मशीन को चला के देखूं और मैं चेक करूं इस मशीन को कि जैसा कि वीडियोस में सर आपने बताया है कि क्या ये असलियत में मैं जाके जब देखूंगा मशीन को, अपने हाथ से जब मैं इसे चेक करूंगा, अपने सामने में देखूंगा, तो क्या इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी ही रहेगी जो वीडियो में सबने बताया है। तो हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे जो मशीन को लेने आए हैं, तो अपने साथ एक फोल्डर भी लेके आए हैं और साथ में इसका शीशा भी ये लेकर आए हैं। तो आज हम इन्हीं के फोल्डर पे ग्लास फिक्स करके ओसी करके बताएंगे इस मशीन पे। फिर उसके बाद हम इनकी राय ज़रूर लेंगे कि आपने लाइव इसका जो डेमो लेने का जो आपने सोचा था, तो क्या मशीन आपके जो भी आप सोच कर आए थे कि भाई मशीन जो है कैसी होगी, तो ये मशीन उन बातों में खरी है या नहीं है। तो एक बार हम परिचय ज़रूर लेंगे हमारे कस्टमर का। तो जी, आप कहाँ से आए हो जी? सर, मैं अम्बाला हरियाणा से आया हूँ। जी जी। तो मैंने वीडियो देखा, मुझे अच्छी लगी मशीन, तो मैंने कहा सर वो लेनी ज़रूर है और इसका डेमो लेकर आते हैं। जी जी। अब डेमो देखते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे आपसे। चलो जी। और इसके अलावा जैसे चाइनीज़ मशीनें भी मार्केट में बहुत उपलब्ध हैं जी, जिन पे अपने नाम लिख करके लोग बेच रहे हैं चाइना की मशीनें, तो वो मशीनों का भी आपने पता किया, रेट और प्राइस वगैरह पता किया? प्राइस भी मैंने सर बहुत जगह घूमा हूँ सर, मैं जी हर मशीन को देखा है मैंने, पर मुझे सबसे बढ़िया ये लगी कॉम्पैक्ट, इसका अच्छा लगा तो मैं डेमो देखने खुद आया। तो मतलब साइज छोटा है इस वजह से? हाँ जी। अच्छा, दूसरा आपने रेटों में नहीं, इसमें आपको रेटों लगा में बहुत फर्क है जी सर? बहुत आधे आधे का फर्क है। बिल्कुल आधे का फर्क है। हाँ। मेरी रेंज में आई है इसलिए आया हूँ सर। ठीक है जी। और आपकी रेंज में भी आई है, और शायद आपने हमारी वीडियोस में ये देखा हो कि इसमें एस ग्लास भी सपोर्ट होते हैं, इसमें कोई LED फोल्डर टूटता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो कि सुविधा चाइनीज मशीनों में नहीं है। बल्कि हमारे इस वीडियो के माध्यम में बताना चाहूँगा कि हमारी ये मशीनें ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स ने ली है जो पहले चाइनीज मशीन चला रहे थे, उन मशीनों के ख़राब होने के बाद उन्होंने मशीनों को ठीक ना करवा करके जो नई मशीन खरीदी है वो ये मशीन खरीदी है। ठीक है, चलिए आज खोलते हैं इसको, चेक करते हैं। तो ये मशीन यहाँ पर ओपन हो गई है, और इसमें एक ख़ास बात और हम आपको बता दें कि आपको इस मशीन के साथ कोई तामझाम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तामझाम हम किसे कहते हैं, जैसे कि कोई कंप्रेसर अलग से रखना पड़े, उसके लिए अलग जगह आपको लगानी पड़े, तो सब चीज़ इस मशीन के अंदर ही है। ये देख सकते हो आप, एक बार ज़रा दिखाइए, इस मशीन में सिर्फ इतना ही जो है ये पार्ट जो है सब कुछ इसके अंदर ही लगा हुआ है, और कुछ भी अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई कंप्रेसर अलग से नहीं है जिसके लिए आपको अपनी दुकान में अलग से जगह देनी पड़े। ये एक छोटे सी टेबल पे आ जाएगी, सब कुछ इसके अंदर ही लगा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं ये मशीन काम कैसे करती है, और हमारे जो कस्टमर है जो इस मशीन को लेने आए हैं, तो इस मशीन को ही हम उनके पास भेजेंगे ताकि जो मशीन इन्होंने अपने आँखों के सामने चेक करी है वही मशीन इनको वहाँ पर भी मिले। तो सबसे पहले मशीन को हम ऑन कर लेंगे। तो मशीन को ऑन करने के बाद हम ये पहले से ही इस ग्लास में OCA लगा हुआ है, हमने बस ये पेपर हटाना है, उसके बाद ग्लास को ऊपर रख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको रख देना है और बीच में से प्रेस करना है। उसके बाद सबसे पहले हम वैक्यूम करेंगे और पंचिंग करेंगे, तो आप इस तरीके से रख देना जी फोल्डर। ठीक है, फोल्डर को हमने इसमें रख दिया है, और अब हम सबसे पहले वैक्यूम करेंगे, तो इसलिए हम वैक्यूम को कर देंगे ऑन। वैक्यूम ऑन करते ही क्या होगा कि ये जो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सुई है वैक्यूम वाली, ये धीरे धीरे यहाँ पर आकर के रुक जाएगी और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, यानी हवा का जो खिंचाव है इसके अंदर बनेगा, जिससे क्या होगा कि फोल्डर के अंदर जो भी नमी है और जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसको ये खींच लेगा बाहर।
ठीक है। तो जब ये सुई आखिर में जाके रुक जाए तो 5 सेकंड बाद हमें फिर पंचिंग करनी है। तो ये सुई रुक गई है, यहाँ पे सुई यहाँ पर रुक गई है और अब हम करेंगे पंचिंग। तो पंचिंग के लिए आपको अगला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तो पंचिंग को कर देना है ऑन, पंचिंग को एक्टिव। ये पंचिंग कर दी हमने एक्टिव जी, अभी पंचिंग करी नहीं है जी। और अब पंचिंग हम अपने हाथ से जितना हमें करना है, जितना दबाव हमें डालना है उतना हम अपने हाथ से डालेंगे। ये मैनुअल सिस्टम इसलिए रखा गया है इसके अंदर कि कोई भी फोल्डर अगर इसमें आपने रखा है वो LED फोल्डर है, नाजुक फोल्डर है, और अगर हम उसकी पंचिंग ऑटोमेटिक पे रख दें तो ये तो अपनी ताकत से ही पंचिंग करेगा, उससे क्या है कि फोल्डर टूट जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पंचिंग का सिस्टम मैनुअल है, हमें पता है कि फोल्डर LED है तो हम पंचिंग हल्की करेंगे, और अगर हमें पता है फोल्डर जो है हैवी है तो नॉर्मली पंचिंग हम डायरेक्ट ही कर देंगे। तो अभी देखिएगा किस तरह से हमने करना है, हल्का सा हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पंचिंग यहाँ पे हो गई जी, ठीक है। पंचिंग होने के बाद आप पंचिंग को ऑफ कर दें, ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, और उसके बाद वैक्यूम को भी ऑफ कर देना है। अब ये देखिए फोल्डर का ज़्यादातर काम तो हो ही गया है, अब जो बचा कुचा काम रह गया वो करेगा हमारा वैक्यूम। लेकिन इसमें यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, हमेशा हो जाती है, कोई बात नहीं, कभी ऊपर से छूट जाता है कभी यहाँ से, हम अपने दोस्तों को भी दिखा देते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा फोल्डर खिसक गया है, ठीक है। लेकिन हमें तो बबल से देखना है ना, ठीक बात नहीं। तो उसके बाद हम इसको रख देंगे बबल रिमूवर में, और इसके अंदर रखने के लिए भी आप चाहें तो इस तरह की जो पन्नी आती है सॉरी इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें रखें। उसके बाद इसको दरवाजे को अपना, उसके बाद आपको ये क्या करना है, जो ये बबलर है इसको हमें ऑन कर देना है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे उसके बाद एक बार थोड़ा सा गेट को बाहर की तरफ खींचना होगा, ठीक है सर, ठीक है। गेट को बाहर खींचेंगे तो ये सुई जब तक उठेगी नहीं तब तक हमें छोड़ना है। हाँ, तो ये देखिए सुई उठ गई है, अब इसे हम छोड़ देंगे जी। अब ये सुई अपने आप रुक जाएगी जा करके एक जगह पे। जब ये सुई एक जगह जाके रुक जाए तो 2 या 3 मिनट बाद आप फोल्डर को निकाल लें, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि जब ये सुई पूरी यहाँ आकर के रुक जाए उसके बाद आप मशीन को बेशक ऑफ कर दें, उसके बाद मशीन को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी रिलीज़ हो जाएगी। ऑटोमेटिक तो रिलीज़ नहीं होगा, रिलीज़ हमें करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये मशीन पूरी मैनुअल है, और कोई भी मैनुअल सिस्टम होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कोई PCB सर्किट ऐसा यूज़ नहीं किया है जिसमें ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन हमने फीड कर दिए हो या मेमोरी डाल दी हो, क्योंकि वो PCB अगर ख़राब हो जाए तो फिर आप उसे रिपेयर नहीं कर पाओगे अपने हाथ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये मशीन आप अपने घर बैठे ही रिपेयर कर लोगे, इसके पार्ट्स किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाते हैं। तो ये काम हो रहा है, जब तक हम आपसे कुछ बात पूछ लेते हैं। बोलिए कि आपकी दुकान कितने साल से है? 6 साल हो गए सर मेरे। 6 साल हो गए, 6 साल हो गए। चलिए, तो इससे पहले कहाँ काम करवा रहे थे आप? OCA वगैरह सर, मैं मार्केट में चला जाता था, हमारे जो गुरु हैं उनके पास लगी हुई है मशीन। हाँ जी, तो वहाँ जाना पड़ता है जी, जी हर बार जाना पड़ता है जी जी जी। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 5-5 घंटे भी लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक कॉम्बो के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है जी जी जी। तो इसलिए मैंने सोचा भी ये हमारे जो अंडर में है वो काम किया जाए, किया जाए, अपना समय बचाया जाए जी। अब ये देखिए यहाँ पर मशीन, ये सुई रुक गई है, और अब हम मशीन को बेशक ऑफ कर दें जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैक्यूम यहाँ बना रहेगा, सॉरी कंप्रेसर यहाँ बना रहेगा, कंप्रेसिंग जो है। ठीक है, और अभी टाइम देख लेते हैं, 2 मिनट बाद निकाल लेंगे जी जी। अभी 1:14 हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कितनी देर रखना चाहिए मशीन के अंदर? सर 2 मिनट भी रख सकते हैं। अच्छा, 5 मिनट भी रख सकते हैं। आप जहाँ जाते थे करवाने काम तो वहाँ कितने मिनट रखते थे बबलर के अंदर? सर कम से कम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट बबलर के अंदर रखना रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो सर वैसे तो होता है उनका जी जी, वो कई बार तो 2-3 दिन डाल देते हैं इकट्ठे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपनी तरफ से तो अपना समय बचाते हैं, लेकिन हमें अपना समय बचाना है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तो सर हमारी चीज़ अपनी बन जाएगी, एक हमारा अपना समय बच जाएगा जी, ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। बिल्कुल, और देखो फोल्डर फिक्स कराने के पैसे भी तो आप दे के आते हो, साथ में आपका टाइम भी लगता है। बिल्कुल, और अब आपके पैसे और टाइम दोनों दोनों बचेंगे, और जहाँ टाइम बचा वहाँ कुछ पैसे और भी कमा पाओगे आप जी, है ना। तो काम अगर बढ़िया है तो मशीन के पैसे तो जल्दी ही पूरे हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है सर, काम ऐसे हम कहें भी नहीं है ये है वो, काम ठीक है।
गांव में है शॉप मेरी जी जी ठीक है गांव, वहाँ पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं। अब ये मैं लेके जाऊँगा तो फर्स्ट टाइम मेरे पास ही होगी पूरे मार्केट के अंदर जहाँ मेरी शॉप है जी जी। और आप इस मशीन की फ़ोटो भी जैसे कि अपने बैनर पे भी लगवा सकते हैं कि उसी का काम यहाँ किया जाता है, वो फ्लैक्स नहीं बनवाएंगे सर। हाँ जी, उस फ्लैक्स पे आप इसकी फ़ोटो भी डाल सकते हैं कि भाई मशीन हमने लगा रखी है। दोस्तों आपको भी अगर इस मशीन का डेमो लेना है यहाँ पे आकर के तो आप भी ले सकते हैं इसका डेमो। अगर आप YouTube के माध्यम से ही सेटिस्फाई हैं कि जी सर ने जो बोला है तो सही चीज़ होगी वहाँ पर, तो आप इसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो इसे मंगवा चुके हैं और इस मशीन को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उसके स्टेटस हम अपने नंबर पे लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स के पास जो मशीन पहुंचती है वो उसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर करते हैं हमारे साथ, और जो काम किया रहता है उनको वो भी वो हमें ज़रूर बताते हैं। तो मशीन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और अगर अभी तक आपने अपनी दुकान पर नहीं लगाई है तो आपको लगा लेनी चाहिए। तो जितनी जल्दी लगाओगे, पिछली बार भी मैंने बोला था जितनी जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी पैसे कमा के देगी, उतनी जल्दी पैसे पूरे होंगे। एक बार मैं करोलबाग गफार मार्केट में गया था, उस समय पर ओसी मशीनें नई नई आई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स दुकान पे आकर के ये बोल के जा रहे थे कि जब भी ये मशीन 25,000 की होगी तब ख़रीदेंगे। तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि भैया ऐसी ये मशीन जो है ऐसा अंदर है क्या इसके जो कि इतनी महंगी है। तो बाद में रिसर्च कर पता चला चाइनीज मशीनों के अंदर एक तो इंपोर्ट करने पर बहुत महंगी हो जाती है, ऊपर से वो चाइना में सस्ती मिलती हैं, यहाँ करके बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं, महंगी हो जाती है। और उस टाइम पे नई नई मशीन आई थी तो 90,000 1-1 लाख के तक की मशीनें थी। सर मैंने गफार में जाके बाबा टूल लोहिया AKT 3-4 जगह घुमाऊँ, लेकिन प्राइस बहुत अप है जी जी, तो मैं फिर पीछे हट गया जी जी। हमने सर जितना हम कमाते हैं उसी हिसाब से आगे चलते हैं। बिल्कुल जी, तो ये भी मैंने बहुत पैसे मेहनत से जोड़े हैं हाँ। जो अब मैं ये लगा रहा हूँ हाँ जी हाँ जी। तो मुझे एक तो खुशी बहुत है जी इस मशीन की लेने की, दूसरी खुशी ये है भी मेरी अपनी चीज़ बन गई। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, लाइफ टाइम के लिए सर। तो वही तो बात है, जैसे कि आपने अब जाके लगाई मशीन, अब मैंने जब सुना ना कि भैया बहुत सारे लोग तो 25,000 रुपये तक में ये मशीन लेना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में आ गया कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मैं बनाऊंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ ऐसा करूंगा उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है ना। और अब तो बजट बेशक किसी का ज़्यादा भी हो तो पैसे फेंके तो जाते नहीं है, ऐसे मेहनत की कमाई है, चाहे कोई ज़्यादा कमा रहा है चाहे कम कमा रहा है, कमा तो मेहनत से ही रहा है। बिल्कुल सर, है ना। तो फिर उनको जब इंडियन चीज़ मिल रही है वो भी कम पैसों के अंदर, जिसमें फैसिलिटी भी ज़्यादा है, चाइनीज मशीन में वो एज ग्लास नहीं होगा, नहीं होगा जी, और फोल्डर टूट जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं टाइम कितना हो गया, ये बातों में 1 मिनट ज़्यादा हो गया जी सर। तो चलिए अब फोल्डर को निकालते हैं। अच्छा, निकालने के लिए आपको क्या करना है, एयर को आपने थोड़ा सा रिलीज करना है ब्लैक डॉट पे। हाँ, यहाँ पे आकर के आप छोड़ दीजिएगा 1 मिनट के लिए, आप चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं, वो एकदम शोर आता है एयर बाहर निकलने का, कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 15 मिनट के अंदर अंदर का ये सारा प्रोसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में बता रहा हूँ आपको। चाइनीज मशीन में ऑटोमेटिकली एयर रिलीज हो जाती है जितना टाइम आप सेट करते हो जी जी। इसमें हमने अपने हाथ से करने हाथ से किया है वही सुनाया। अब आप निकाल के देखिए कि आपकी जो मशीन आप लेने की सोच रहे हैं वो आप सही सोच रहे हैं लेने की या नहीं सोच रहे हैं लेने की, गलत सोच रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ जी, जैसा डेमो वीडियो में था वैसा ही यहाँ मिला जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सेम टू सेम सर, कोई फर्क नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है, कोई डॉट नहीं है बबल का, कोई निशान को बताओ जो वीडियो देख रहे होंगे मशीन लेने की सोच रहे होंगे, आप उनको शो करो, ये स्क्रीन के आगे बताओ, दिखाओ। देखो सर, ये सर मैं देखो जी डेमो लेने आया था, तो जो मैंने वीडियो में डेमो देखा एकदम बिल्कुल कॉपी टू कॉपी है, ये बहुत बढ़िया लगा, और मैंने तो ये मशीन खरीद ली है जी। और आपसे भी यही बोलूँगा, अगर आपका कम बजट है तो यहाँ आए, डेमो ले और मशीन लेकर जाए। ठीक है, अगर मशीन लेने की सोचा है तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए,
और इस मशीन की जो पैकिंग है कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि कई बार मन में रहता है ना मशीन कुरियर वाले फेंक देते हैं या ऐसे वैसे करते हैं। तो एक तो जो हमारा कुरियर वाले मशीनों को फेंकते नहीं है, फिर भी हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, मशीनों का जो पैकिंग है वो इस पेटी में करते हैं हम लोग। और इसके अंदर आप देख सकते हैं फोम की डबल डबल परत हम लगाते हैं कि अगर आप इसे गिराएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आपने हमारी एक पुरानी वीडियो अगर देखी हो जिसमें हमने मशीन को दो बार फेंका है नीचे, दो बार पटका है, और अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो ऐसे मशीन को दो बार पटकने के बाद भी हमने इसे फोल्डर फिक्स करके आपको दिखाया, तो इतनी सेफ पैकिंग के अंदर चाहे कुरियर वाले इसको ट्रक के ऊपर से फेंक दें तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर टूटी हुई पहुंची भी है तो हम जिम्मेदार हैं, वापस भेज दो, दूसरी मशीन भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको मंगानी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बाकी इसकी जानकारी आपको हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे, जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे कर सकते हैं।